मंडी से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत राहुल गांधी पर जमकर बरसी नजर आ रही हैं। सदन में बहस और तीखी होती जा रही है। कंगना ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी को शिवजी की बारात और चक्रव्यूह में गुम होने की बात कही थी। साथ ही कंगना ने इशारा करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो आपको नहीं लगता उसका ड्रग्स टेस्ट कराना चाहिए। वहीं अब एक बार फिर से कंगना का गुस्सा राहुल गांधी पर फूट पड़ा है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी पर निशानेबाजी की है। दरअसल राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा है जिसमें अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। इसी को लेकर कंगना ने राहुल पर हमला किया है। कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कटु है, जहरीले और विध्वंसक हैं। साथ ही कंगना ने लिखा है कि राहुल गांधी का एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो वो देश को खत्म कर देंगे, देश को नष्ट कर देंगे। कंगना रनौत आगे कहती हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षित करती है जिसका राहुल गांधी ने समर्थन किया था और वो रिपोर्ट बेकार साबित हुई। कंगना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि राहुल गांधी हमारे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। श्रीमान गांधी, आप पूरी जिंदगी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए और जिस तरह आप अभी पीड़ा में हैं उसी तरह आप इस देश के लोगों का राष्ट्रवाद, गर्व और गौरव को देखकर दुखी होते रहेंगे। यहाँ की जनता कभी आपको अपना नेता नहीं बनाएगी, आप एक कलंक हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी सरकार को लगातार अलग अलग मुद्दों पर घेरते नजर आ रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार और अडानी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर से संज्ञान लेगा। कांग्रेस नेता गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी की जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।